एग्जामिनेशन जैसे कि 7 जुलाई को होने वाला है और इसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। सीटेट जुलाई एग्जामिनेशन के लिए आपके एडमिट कार्ड CTET.NIC.in पर जारी हो चुके हैं। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 2 सर्वर बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि 25 लाख के आसपास स्टूडेंट जो हैं इस एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ में डाउनलोड करने वाले थे एडमिट कार्ड और इसी वजह से 2 सर्वर यहाँ पर बनाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप किसी भी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, CTET.NIC.in पर जैसे ही आप जाएंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड सर्वर फर्स्ट एंड सेकंड, 2 आपके पास ऑप्शन होंगे। आप किसी से भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। फर्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, दोनों पे सेम ऑप्शन आने वाला है आपके पास, डाउनलोड एडमिट कार्ड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो 7 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है और आप इसी किसी भी एक लिंक पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर CTET 2019 जुलाई 19 आ गया है। एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और ये जो नीचे सिक्योरिटी पिन है ये यहाँ पर आपको एंटर करना है, जैसे कि यहाँ पर है 96XG60। ठीक है, तो ये एंटर करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एप्लीकेशन नंबर में आपने जुड़ा ली थी वो और एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, ये आपको साइन इन करना है। जैसे साइन इन करेंगे आप, आपका एडमिट कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट आपका, अगर आपने एप्लीकेशन नंबर आपको याद नहीं है या भूल गए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपका फरवरी में आया था, तो शायद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आपके पास नहीं हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कॉर्नर में फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर रेड जो लेटर्स उसमें लिखा गया है इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके ऐसे आ जाएगा ऑप्शन, CTET जुलाई 2019, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन ये जो नीचे एंटर है और गेट एप्लीकेशन नंबर। तो ये आप जैसे ही ये सारी एंटर करेंगे डिटेल, आपको आपकी जो ये डिटेल्स हैं आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन। जैसे ही आप इस पर करेंगे तो इस पर एप्लीकेशन आपका डिस्प्ले हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है, और आप उसको यूज़ करके अपना वापस से एडमिट कार्ड जो इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर हो रही है और उसके अलावा आपके सीटेट के इंपॉर्टेंट क्लासेस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस चल रही है वो आप जरूर देखें, ईडी जंप लाइव क्लासेस में, और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ आपका अपलोडेड है। आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं एक बार फिर से अपन डिस्कस करेंगे उसको, कि आप किस तरह से इसकी तैयारी करें। बहुत कम टाइम बचा है, अब तो शायद 10-12 दिन बचे हैं, और उसमें आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ये भी आपको अलग से वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस आपका वही है, इसमें सीटेट प्राइमरी लेवल के जो एक टीचर्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें 5 सेक्शन होने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, एनवायरमेंटल स्टडी एंड लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड एंड आपका जो आपकी प्रेफरेंस जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, एनवायरमेंटल स्टडी और लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, इनसे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, और एनवायरमेंटल स्टडी और उसके अलावा जो सेकंड का जो पेपर देने वाले हैं, जो भी प्राइमरी लेवल फर्स्ट और सेकंड में जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए 4 सेक्शन होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, जिसमें भी आपने प्रेफरेंस सब्जेक्ट है आपका उसमें से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं, चाहे आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो चाहे सेकंड दे रहे हो चाहे दोनों दे रहे हो, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। जनरल वालों को 60% स्कोर करना कंपलसरी है और अदर कैटेगरी चाहे वो OBC, ST, SC किसी में आता हो, जो भी कैटेगरी में आते हो आप, सबको 55% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। जैसे कि मेरे पास क्यूरीज आती कि मैम OBC वालों के लिए कितना परसेंट और ST SC वालों का कितना परसेंट स्कोर है, तो दोनों का ही आपका 55% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी, नेगेटिव मार्किंग है, तो आप इसका ध्यान रखें अच्छे से, और सारे इंस्ट्रक्शन जो आपके एडमिट कार्ड पे दिए गए हैं उनको अच्छे से रीड कर लें, क्या आपके रिपोर्टिंग टाइम है, क्या आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है, सेंटर कौन सा है, आपकी सारी डिटेल आप चेक कर लें। ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो ही आपको लेके जाना है, ऐसे नहीं कि उसका प्रिंट कॉपी करके लेके जाएं, और उसके अलावा आप एक आईडी कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, कोई भी आईडी कार्ड हो जिसपे आपको फोटो हो, फोटो वाला आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड हो सकता है आपका, पैन कार्ड हो सकता है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस होता है इनमें से, वोटर आईडी हो सकता है, तो फोटो वाला जो भी आपके एडमिट कार्ड है वो ही आपको लेके जाना है। ठीक है, वो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वहाँ पर एग्जाम सेंटर पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। रिपोर्टिंग टाइम का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइमिंग आपका जो है ये
रिपोर्टिंग टाइम है, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके अलावा आपको जो जो भी है मतलब कि ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, OMR बेस्ड पेपर है, तो आपको किस तरह से OMR फिल करनी है वो सब कुछ आपको ध्यान रखना है, अच्छे से फिल करना है। एग्ज़ाम टाइमिंग टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा और अभी से तैयारी कर दीजिए कि अभी से ना जो टेस्ट सीरीज़ आती है उनको सबको सोल्व करना, जल्दी जल्दी आप सोल्व करना सीखें और टाइम मैनेजमेंट में आप करना सीखें, ठीक है। तो एडमिट जिसने भी अप्लाई किया है CTET का एडमिट कार्ड आ चुका है, डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम सेंटर की डिटेल आपको इसमें दी जाएगी, मिल जाएगी सब कुछ इन्फॉर्मेशन। आप एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें और उसके अलावा क्लासेस इंपॉर्टेंट ट्यूशन्स की आपको मिलती रहेगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको